जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है जब हमारे पास 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये सेविंग होगी तब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ऐसा अगर आप भी सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप 100 रुपये या 500 रुपये से भी कर सकते हो। आज मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा जिसमें आप 500 रुपये की SIP करके एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड का आज हम रिव्यू करेंगे। इस म्यूचुअल फंड में मैं भी SIP के द्वारा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मैंने 14 अप्रैल 2024 तक 54,498 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी वैल्यू 113,191 रुपये है। इस म्यूचुअल फंड ने मेरे को अभी तक 58,693 रुपये रिटर्न के रूप में दिया है। 107% रिटर्न निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने मेरे को अभी तक दिया है। एनुअल जो रिटर्न है वो 39% है। अभी अपन देखते हैं ये म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुआ, इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक कितना रिटर्न दिया है, वो सब अपन अभी डिटेल से जानते हैं। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम का अपन रिटर्न देखेंगे तो 27% है। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 27% रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ये म्यूचुअल फंड जनवरी 2013 के अंदर स्टार्ट हुआ था। जनवरी 2013 से लेके अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने 27% का एनुअल रिटर्न दिया है। लास्ट के 5 साल का इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखेंगे तो 30% इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। अभी हम देखते हैं इस म्यूचुअल फंड में मैंने कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मैंने 54,498 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी वैल्यू 113,191 रुपये 14 अप्रैल 2024 तक है। इस म्यूचुअल फंड में मेरे को अभी तक जो यूनिट अलॉट हुई है वो है 692। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो करंट नेव है वो 163 है और मेरी जो बाइंग प्राइस है वो 78 रुपये है। मेरे को इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक डबल रिटर्न दिया है। जो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उसका डबल रिटर्न अभी तक मेरे को मिला है। अभी अपन देखते हैं इस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट किया और कितने रुपए से स्टार्ट किया। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप जितने रुपए से करना चाहते हो आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम रखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ भी आएगा और आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट भी करते रहोगे। आपकी जो रिस्क है वो भी कम रहेगी और आपकी वेल्थ भी बनती रहेगी। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 8 मई 2020 को मैंने 500 रुपए के 2 ट्रांजेक्शन किए, 2 SIP निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की। 8 मई 2020 को निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की नेव 32 रुपए के आसपास थी। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 28 मई 2020 को 500 रुपए की पहली SIP डिडक्ट हुई। उस समय भी इस म्यूचुअल फंड की नेव 32 रुपए के आसपास चल रही थी। दूसरी जो SIP 15 जून 2020 को डिडक्ट हुई उस समय इस म्यूचुअल फंड की नेव 35 रुपए हो चुकी थी और मेरे को टोटल 14 यूनिट प्राप्त हुए। इस म्यूचुअल फंड की नेव 32 रुपए थी। प्रेजेंट टाइम में 14 अप्रैल 2024 को इस म्यूचुअल फंड की नेव 163 रुपए है। ये जो 500 रुपए मैंने 8 मई 2020 को फर्स्ट टाइम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वो पैसा 5 गुना हो चुका है। अभी अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे उस समय इस म्यूचुअल फंड की नेव 32 रुपए थी। 32 को जब हम 5 से इंटू करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 160 हो रहा है। ये जो मैंने 500 रुपए इस म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू आज 14 अप्रैल 2024 को 2500 रुपए हो चुकी है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में वो पॉजिटिव रिटर्न ही देगा, क्योंकि अपना जो पैसा है वो शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनियां लिस्टेड है उन्हीं में इन्वेस्ट होता है। वो कंपनियां किसी न किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती है और वो प्रोडक्ट भी हम ही यूज कर रहे हैं। जो कंपनियां प्रोडक्ट का निर्माण करती है उन्हीं कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट होता है, उन प्रोडक्ट को यूज भी हम करते हैं, इसलिए अपना जो पैसा है वो डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज भी हम करते हैं और इन कंपनियों में पैसा भी हम ही इन्वेस्ट कर रहे हैं।
आप लोगों को ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, उस पैसे का यूज क्या हो रहा है जिससे हमें रिटर्न मिल रहा है। तो ये पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, जैसे मारुति की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट होगा तो मारुति गाड़ी का निर्माण कर रही है। अपना पैसा टाटा कंपनी में अगर इन्वेस्ट होता है तो टाटा की गाड़ियां भी आती है, टाटा का नमक भी आता है, टाटा टेक्नोलॉजी भी है। तो इस प्रकार अलग अलग सर्विसेज अलग अलग कंपनियां अपने को प्रोवाइड करवाती है और वहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट होता है, वहीं से अपने को रिटर्न प्राप्त होता है। 29 जून 2020 को निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की नेव 37 रुपए हो चुकी थी और मेरे को टोटल 13 यूनिट मिले थे। 13 जुलाई 2020 500 रुपए की एक SIP, 28 जुलाई 2020 500 रुपए, 13 अगस्त, 28 अगस्त, प्रकार आप कंटिन्यू देख सकते हो। मैं 500 रुपए की SIP इस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू कर रहा हूँ। 500-500 रुपए की दो SIP निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल से चल रही है। 16 फरवरी 2021 500 रुपए की एक SIP, इस समय इस म्यूचुअल फंड की जो नेव है वो 60 रुपए पहुंच चुकी है और मेरे को जो यूनिट है वो 8 मिले हैं। 13 जुलाई 2021 को 500 रुपए की एक SIP, उस समय इस म्यूचुअल फंड की नेव 81 रुपए पहुंच चुकी है और मेरे को 6 यूनिट मिली है। मार्केट डाउन जाता है तो आपको अधिक यूनिट मिलेगी और जब मार्केट अप रहेगा तब आपको कम यूनिट मिलेगी। मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आए आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, किस प्रकार इन्वेस्ट हो रहा है, आपको रिटर्न कैसे मिलता है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिससे कि आप अपनी अच्छी वेल्थ बना सको। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इन्वेस्टर हूँ। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कंप्लीट देख के अपना एक लाइक जरूर दें। 31 जनवरी 2022 को इस म्यूचुअल फंड की जो नेव है वो 93 पहुंच चुकी थी। मेरी 500 रुपए की SIP उस टाइम भी चल रही थी। यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन हुआ 2 मार्च 2022 को। मैंने इस म्यूचुअल फंड में 3,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 28 मार्च 2024 को मेरी लास्ट SIP डिडक्ट हुई है। 500 रुपए की एक SIP 156 रुपए के नेव से मेरे को टोटल 3 यूनिट मिले हैं। इस म्यूचुअल फंड में मैं कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी अपन जानते हैं इस म्यूचुअल फंड की खास बात क्या है। कोई भी नया इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा तो उसके लिए क्या फायदा है, इसके बारे में अपन जानते हैं। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 100 रुपए आपके 200 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। 14 अप्रैल 2024 का ये डाटा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 100 रुपए 200 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा तो क्या ये 200 कंपनियां डूब सकती है? नहीं डूब सकती। क्या आपको लगता है ये 200 कंपनियां डूब जाएगी? अगर ये 200 कंपनियां सब डूब जाएगी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। 200 कंपनियां डूबने के जो चांसेस है बहुत ही कम है, क्योंकि ये कंपनियां किसी न किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इस कंपनी में आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 2.39% पैसा इन्वेस्ट अभी हो रहा है। HDFC बैंक, अपार इंडस्ट्री, इस प्रकार टोटल 200 कंपनियां हैं जिसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो इन्वेस्ट होगा। तो ये कंपनियां किसी न किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय माइक और लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ। लैपटॉप का निर्माण ये जो कंपनियां हैं इन्हीं में से किसी कंपनी ने किया है, तो मैं इसका एक यूजर हूँ और इन कंपनियों में मैं पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उन प्रोडक्ट का निर्माण जिन कंपनियों द्वारा किया जाता है उन्हीं में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इस प्रकार आप देख सकते हो टोटल 200 कंपनियां हैं जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ये सामने लिखा है कौन सी कंपनी में कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। मैंने जो 54 रुपए निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है उसका 1.83% वर्ल्ड मैप ट्रांसफॉर्मर कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। इस प्रकार 200 कंपनियों में मेरे पैसे इन्वेस्ट हो रहा है और ये 200 कंपनियां कंटिन्यू ग्रोथ करती रहेगी। इनमें से
10 कंपनियां 20 कंपनियां बंद भी हो गई, तब भी मेरे जो रिटर्न है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी जो कंपनी है वो मेरे को कंटिन्यू रिटर्न देती रहेगी। इनमें से जो भी कंपनी के बंद होने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो फंड मैनेजर उस कंपनी को अपनी होल्डिंग से हटा देता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक्टिव म्यूचुअल फंड है, इसमें फंड मैनेजर टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, किसी कंपनी को ऐड कर लेता है, किसी कंपनी को होल्डिंग से हटा देता है, किसी कंपनी में पैसा अधिक इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी में कम पैसा इन्वेस्ट करता है। इस प्रकार आप टोटल 200 कंपनियों को देख भी सकते हो कौन सी कंपनी में कितना परसेंट पैसा अपना इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपको ये समझना है म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड रिटर्न कैसे जनरेट करते हैं, अपने को कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड का चयन करना चाहिए। आप कंटिन्यू 10 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लोगे तो आपके लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इस प्रकार आप इस म्यूचुअल फंड को आराम से ट्रेक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।